हाँ भाई, पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? क्या हो गया? पानी निकल गया क्या? आगे लिखना। बच्चे आसान है ना तेरे को। देखिए, पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ फिक्स्ड व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट। समझ? ये कोई बेटा फिक्स्ड लाइन है, इसका नाम डायरेक्ट्रिक्स होता है। पैराबोला में अभी आपको क्या बोला? पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। पैराबोला एक सेट होता है सारे पॉइंट्स का एक प्लेन में। और वो सारे पॉइंट्स कैसे होते हैं? एक फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे ये कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, बच्चों आगे जाकर पता चलेगा इसे फोकस बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है। मैंने क्या बोला? पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये पॉइंट है जो इस वाली लाइन से बेटा इस वाली लाइन से और इस वाले पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो अब क्या एक ही पॉइंट? नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स। अभी बात करेंगे सारे पॉइंट। मान लीजिए दूसरा पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस दोनों कैसी होगी? इक्वल। मान लीजिए एक और पॉइंट है, तो बेटा RM और RF दोनों कैसी होगी? बराबर। तो पैराबोला की डेफिनेशन समझ में आ गई? पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, जो सारे पॉइंट्स कैसे होते हैं? एक फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। और फिक्स्ड लाइन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं? फोकस। जिसको मैंने क्या माना है? ए कॉमा जीरो। बेटा इसको कहते हैं हम पैराबोला में एक ऐसी लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के तो नॉर्मल हो, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, और फोकस से पास हो, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इस पैराबोला की कोई आपसे एक्सिस पूछे तो आप एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, ये किसके सिमेट्रिक है? एक्स एक्सिस। अच्छा, ये वही अपना ओरिजिन। सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन बनती है जब इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है। बेटा इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पर पैराबोला और एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। समझिए, मजाक मत कर, बात को समझ नहीं आ रहा तुझे। जहां पर पैराबोला और एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। तो ये क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। ये फोकस हो गया, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, तुम बताओ पवन। इस लाइन एल की इक्वेशन क्या होगी? ये ओरिजिन है, इस लाइन एल की इक्वेशन बता दो बस। इसके ए पे सी पे बस इक्वेशन ऑफ लाइन एल ए सी ऐसे है। बोलो बेटा प्रियांशु। 0.0 प्रियांशु वो पीछे जाकर। हां 22 डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। एक मिनट, सॉरी, ये तो मैंने वाई एक्सिस ले रखा है ना, सॉरी भूल गया, डायरेक्ट्रिक्स तो मैंने बनाई नहीं है अभी। डायरेक्ट्रिक्स इधर बनी, ये तो ओरिजिन है ना, ओरिजिन। कोई बात नहीं, यहां बना लो। गलती से वो वहीं तक रह गई, यानी मैं सोचा इधर पहले एक्चुअली जो मैंने लाइन बनाई थी ना वो मैंने डायरेक्ट्रिक्स ही बनाई थी, लेकिन हुआ क्या कि थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ओरिजिन, हाँ गलती से मान, कोई बात नहीं, दोबारा बताइए। ये तो सही है, ये तो डायरेक्ट्रिक्स ही है, लेकिन गलती से ये तो सही लिखी है, ये वाई गलत लिख दिया। बेटा मैंने आपको बीच में बोला भी था ये है ओरिजिन इसका। ठीक है, मैंने बोला भी था सिंपलेस्ट इक्वेशन कहाँ होती है? जब वर्टेक्स ओरिजिन को टच करता है।
बच्चों ये है वाई एक्सिस, हाँ ये वाई एक्सिस है और ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो पवन अब मुझे बताओ इस ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी बेटा? 0.8। अच्छा और कौन बताएगा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कोई भी? बोलो ये कितनी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है? तो ये कितनी डिस्टेंस पर होगा? माइनस ए। गुड, x is equals to minus a is the equation of directrix। खत्म बस। याद नहीं है क्लास 9th में ओरिजिन 2.0 से पास हो रही है इस इक्वेशन, बताइए लाइन की x is equals to 2 जिस एक्सिस को कट करती थी उसके इक्वल में लिखती, पॉजिटिव कर रही पॉजिटिव, ये आपकी 0.-1 से पास हो रही है इक्वेशन y is equals to -1, y को कट कर रही है -1 पे इसलिए y, बेटा यही तो होती थी इक्वेशन, तो वो क्या होगी x को कट कर रही है -1 पे तो वो माइनस ए पे तो क्या होगी x इक्वल टू, क्या सबको समझ में आ गया पक्का? ये जो कंफ्यूजन बीच में हो गई थी वो दूर हो गई, ये जो लाइन थी वो थी y एक्सिस जो इसके ओरिजिन पर टच कर रही है वर्टेक्स को, ये डायरेक्ट्रिक्स ही बनाई थी। ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी सेंटर को वर्टेक्स को, सेंटर को वर्टेक्स नहीं, वर्टेक्स का मतलब होता है जो लाइन किसको टच करे उस पैराबोला को एक्सिस पे टच करे। ठीक है अब जरूरी नहीं है ना मैं इसको ऐसे बनाऊं जैसे तुम्हारे, मैं समझ गया क्वेश्चन क्या है। लो बेटा ये ओरिजिन है, ये मैंने ऐसे बना दिया ओरिजिन से पीछे बना दिया पैराबोला, तो अब तो वर्टेक्स तो ये कहलाएगा ना लेकिन ओरिजिन ये कहलाएगा, मैंने इसके वर्टेक्स को ही ओरिजिन पे बनाया है, सिंपलेस्ट यही होती है फॉर्म इसी की। ठीक है अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूं ना इसी की, तो यहां तक सबको समझ में आया, डायरेक्ट्रिक्स क्लियर हो गया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, फोकस समझ में आ गया, ये क्या है वाई एक्सिस, बाकी आपको वर्टेक्स समझ में आई है, पैराबोला की डेफिनेशन क्लियर, सब कुछ पक्का? चलो तो इतना लिख लो पहले, उसके बाद आगे चलते हैं, इसके जो चारों केसेस होते हैं वो बताता हूं फिर आपको। देखो भाई अभी मैं जो आपको बता रहा था, अभी मैं आपको जो बता रहा था, ठीक है क्या बता रहा था मैं आपको, ये वाला पॉइंट मैंने यहां से रख कर दिया कि कुछ बनाया था यहां पे ए था ना, हां कि ये जो पॉइंट होता है इस पर पड़ा होता है वो इससे और इससे बराबर होता है, मतलब बेटा कहने का मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, एपी इज इक्वल्स टू पीएफ, हां क्या लिख सकता हूं, सीक्यू इज इक्वल्स टू क्यूएफ, एमआर इज इक्वल्स टू आर, कॉन्सेप्ट भूलोगे तो नहीं। अब याद रखना कि जो इस पर पॉइंट होता है वो उस डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट से और इस पर फोकस के दोनों से बराबर होता है, तो डिस्टेंसेस कैसी होंगी, इक्वल होगी, इतना सबको समझ में आ गया। चलो अब बेटा ये जो पैराबोला है वो है राइट हैंडेड पैराबोला, क्योंकि इसका आप जो देख रहे हैं जो जो पैराबोला का तरीके से मुंह खुला हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुला हुआ है, ठीक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसको क्या कहेंगे राइट साइड खुला है, प्लेन में अगर आप देखें तो राइट साइड खुला हुआ है, राइट हैंडेड पैराबोला बोलते हैं इसको। इतनी बात समझ आई? मैं दूसरा केस ले रहा हूं, दूसरा केस समझिए, डायरेक्ट्रिक्स की आपको इसमें इक्वेशन समझ में आएगी। अब मान लीजिए अगर ये पैराबोला ऐसे होता जैसे ये ओरिजिन है, इस बार ओरिजिन ही लिया है, ठीक है ये डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगी इसकी, हाँ बेटा यहाँ पे फोकस होगा क्या होगा माइनस ए कॉमा जीरो, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस ए कॉमा जीरो, हाँ बच्चों ये वही डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन है। चलो बेटा अगर ये माइनस ए पर डिस्टेंस है तो बताओ इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, यानी कि एक्स इज इक्वल टू एक्स को कट कर रहा, यहां तक सबको समझ में आया डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, इसका फोकस क्या होगा माइनस ए कॉमा जीरो और इसका वर्टेक्स ये, सही है वर्टेक्स क्या होता है जहां पर वो पैराबोला अपनी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं वर्टेक्स, तो ये वाला सबको समझ में आ गया। एक बात और बता देता हूं, इसकी जो इक्वेशन होगी पैराबोला की वो भी अभी समझते चलो, इस पैराबोला की इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax,
बेटा इसका डेरिवेशन मैं कराऊंगा, पहले भी देख लो डेरिवेशन थोड़ी देर में। इसकी इसकी जो है क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस वाले की जो लेफ्ट हैंड में बनता है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस कैसी हो गई है, नेगेटिव, तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax आ जाएगा, याद रखेंगे। अब एक चीज और याद रखना, जिसमें y स्क्वायर का टर्म आ रहा हो तो समझ जाना वो पैराबोला की एक्सिस किस पर है, x एक्सिस पर। जिसमें y स्क्वायर आ रहा हो उसमें पैराबोला की एक्सिस कहां पर मानी जाएगी, x एक्सिस पर, मतलब उसकी सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। हाँ, राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है वो इससे डिसाइड होगा कि प्लस है या फिर माइनस है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ये वाला नोट करना है, करना होगा, नोट कर लीजिए, इसकी इक्वेशन लिख लीजिए। देखो बेटा तीसरा केस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई वाई एक्स, ये होता है बेटा अपर एंडेड पैराबोला, फोकस इसका ये ना जीरो कॉमा ए, जिसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां पीछे बनी है, ये एल डायरेक्ट्रिक्स है। सीधी सी बात है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई को कट कर रही है, ये अगर ए है तो ये माइनस ए होगा, y is equal to minus a, क्योंकि ये पॉइंट क्या होगा, 0 कॉमा माइनस a, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी z y is equal to minus a, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इसकी एक्सिस की सिमेट्री किसके अबाउट है, y एक्सिस, आपसे मुझे पैराबोला की जो एक्सिस है वो उसकी सिमेट्री क्या है, तो आप बोलेंगे y एक्सिस, ठीक है, किस मतलब इसकी एक्सिस क्या है, y एक्सिस, इसका वर्टेक्स कहां होगा, ये रहा अलोंग द होरिजन, सबको समझ में आ गया, अलोंग द y एक्सिस, ठीक, ये आपको पता ही है फोकस है। और बेटा इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, x square is equal to 4y। इनके जो प्रूफ है, डेरिवेशन है, वो मैं कल कराऊंगा, आज खाली समझ लो कि ये आए कैसे, ठीक, तो x square is equal to 4y। अब आपको यहां से क्या याद रखना है, जिसमें x square होगा इसका मतलब वो पैराबोला y axis की तरफ खुल रहा है, या तो ऊपर या फिर नीचे, जैसे इसका चौथा केस कैसे बनेगा, नेगेटिव सेट लोअर एंडेड या डाउनवर्ड, एक ही बात है। हाँ बेटा, इसका डायरेक्ट्रिक्स यहां से निकलेगा, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की, अगर यहां पे इसका फोकस है 0.-a पे, तो बेटा ये पॉइंट क्या होगा, 0 कॉमा a, y को कट कर रहा है, y इक्वल टू a, ये इक्वेशन हो जाएगी, ये फोकस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, सही है, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, क्योंकि ऊपर है पॉजिटिव y पे, ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, तो उसमें माइनस आ जाएगा। क्या इतना सब बच्चों को समझ में आ गया, आपको पैराबोला के टाइप क्लियर हो गए, इनके इक्वेशन का डेरिवेशन और क्वेश्चन कर करा के आपको कल 100% पैराबोला खत्म कर दूंगा। नोट कर लीजिए, बस खत्म हो गया। इसमें एक लेटस रेक्टम और है, लेटस रेक्टम में आपको कल बताता हूँ। ओके सर।